यार मैं आपको इससे ज्यादा और प्रूफ नहीं दिखा सकता हूं। यहां पे देखो 29 जुलाई 2023 को मैंने ये ट्रिक लगाया था और उसी दिन सिर्फ एक घंटे काम करके 3680 घंटे का वास्ट टाइम कंप्लीट किया हूं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन और वो भी एक घंटा। ठीक है, एक घंटे के अंदर यहां पे आप बिल्कुल लाइव देख लो, इस चैनल पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ था, ग्राफ बिल्कुल डाउन जा रहा था इस प्रकार से, बट जैसे ही मैंने 29 तारीख को ट्रिक लगाया ना तो ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ चला गया। और यहां पे देखो 29 जुलाई 2023 को मैं सिर्फ एक घंटे काम करके 3680 घंटे का वास्ट टाइम कंप्लीट किया हूं। और ये कोई आपको फेक नहीं दिखा रहा हूं, ना ही कोई एडिटिंग दिखा रहा हूं, बिल्कुल आपको लाइव रहा हूं अपने यहां पे वॉच टाइम वाले सेक्शन पे। ठीक है, देखो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है, यहां पे आने के बाद आपको अपने वीडियोस का लिंक डाल देना है, जो भी वीडियो पे आपको वॉच टाइम चाहिए बस आपको उसका लिंक डालना है। लिंक डालने के बाद दोस्तों इसके नीचे यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको डाल देना है कि कितने घंटे का वॉच टाइम चाहिए। अगर आप यहां पे 10 डालोगे तो आपको 10 घंटे का वॉच टाइम मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अगर आप मान लो यहां पे 4000 डाल देते हो, 4000 डालने के बाद यहां पे प्ले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे ना तो आपके चैनल पर 4000 घंटे की वॉच टाइम इजीली कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक घंटे के अंदर बिल्कुल फ्री में। ठीक है, लेकिन दोस्तों नॉर्मली अगर आप इस वेबसाइट पे आके यहां से वॉच टाइम बढ़ाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है, आपका वॉच टाइम ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को देख लो उसके बाद ही तरीका को लगाना, क्योंकि यहां पे आने से पहले आपको कुछ बहुत सारी चीजें को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब दोस्तों देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना, कुछ ऐसे ऐसे चीज बताने वाला हूं जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है। टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे टेलीग्राम चैनल को ओपन करता हूं। यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपके सामने यहां पे एक वीपीएन दिखेगा, जो वीपीएन को यहां पे मैं दिया हूं वही वीपीएन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, कहीं प्ले स्टोर से कोई भी उल्टा पुल्टा वीपीएन को इंस्टॉल मत कर लेना, जो वीपीएन का यहां पे मैं यूज करने के लिए बोलूंगा इसी वीपीएन को आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिंक दे दिया हूं, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे प्ले स्टोर पे, वहां से जाने के बाद इस वीपीएन को कर लेना है इंस्टॉल, जो दिया हो टेलीग्राम पे वही वीपीएन को यूज करना सबसे पहला चीज। ठीक है, एंड दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। जब वीपीएन को आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहां पे आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है एंड यहां पे कर देना है कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, सिंपली कर देता हूं अलाउ। अलाउ करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, यहां पे ऐड आएगा तो ऐड को कट करना। अब देखो यहां पे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहां पे आएगा ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देखो आपको कर लेना है यूएस, ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक, यूएस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहां से कर देना है ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट का। ठीक है, आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक, बिल्कुल फ्री का वीपीएन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पे एक भी पैसा नहीं लगेगा, एक भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा, जो भी तरीका बता रहा हूं बिल्कुल फ्री का तरीका है। अब देखो यहां पे हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, ऊपर यहां पे हमारा लोगो भी आ चुका है, तो सबसे पहले आपको अपने चैनल पर वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, और जो वीपीएन को मैं बताया हूं यही वीपीएन को इंस्टॉल करना, कोई उल्टा पुल्टा वीपीएन को इंस्टॉल मत कर लेना। जब आप वीपीएन कनेक्ट कर लोगे उसके बाद सिंपली आपको नोटिफिकेशन से स्क्रॉल करना है और चले जाना अपने सेटिंग्स में, एंड दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है अपने अकाउंट में। ठीक है, जब आप अकाउंट में आओगे तो आपके यहां पे जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन रहेगा सारा का सारा यहां पे शो हो जाएगा। जैसे कि देखो ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, ये मैं लॉगिन कर रखा हूं, तो यहां पे आके आपको क्या करना, आपके चैनल का जो भी ईमेल आईडी है, जिस भी ईमेल आईडी से आप अपना चैनल बनाए हो, सिंपली उस ईमेल आईडी को यहां से रिमूव कर देना है। आपके मोबाइल में अलग ऑप्शन होगा रिमूव करने का या तो डिसेबल करने का, जो भी ऑप्शन होगा, बट आपको अपने मोबाइल से अपने चैनल की ईमेल आईडी को सबसे पहले हटा देना, ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि मैं क्या करूंगा, इसको यहां से रिमूव अकाउंट जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके यहां से अपने अकाउंट को ही हटा दूंगा। तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है, जिस भी ईमेल आईडी से आपका चैनल बना हुआ है उस ईमेल आईडी को अपने मोबाइल से हटा देना है। मोबाइल पे कहीं पे भी लॉगिन नहीं होना चाहिए, ना ही वाइस स्टूडियो, ना ही यूट्यूब एप्लीकेशन, ना ही क्रोम में, कहीं पे भी आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला चीज ये कर लेना है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टारगेट करना है कि आपको कौन से वीडियोस पर वॉच टाइम बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखो जैसे अगर आप चाहते हो किसी वीडियो पर वॉच टाइम बढ़ाना खुद का, ठीक है, तो कोशिश करना कि आपका वीडियो लंबा हो। अगर आपका वीडियो ज्यादा लंबा रहेगा तो वॉच टाइम बढ़ाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लंबे वीडियो में ये ट्रिक लगाना, आपको बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ नॉर्मल चीज जिसको हमेशा अपने माइंड में याद रखना है, सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट करना है, एंड दूसरा चीज आपके मोबाइल में आपकी चैनल की ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए, दो चीज, एंड तीसरा चीज कि आपको हो सके तो आपके चैनल पर लंबा वीडियो होना चाहिए। लंबे वीडियो में ट्रिक लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो दोस्तों क्या करता हूं, यहां पे मैं अपना यहां पे कंप्यूटर का सॉरी लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। आप सेम प्रोसेस को अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो मैं अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ लो, सेम तरीका को आपको अपने एक मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाके लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहां पे आते हैं और यहां पे मैं आपको एक चीज सर्च करके दिखाता हूं। जैसे कि यहां पे मैं सर्च कर देता हूं अरविंद
पंडित, ठीक है, मैं अपने चैनल का नाम सर्च कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चैनल पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे इस चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड गाइस यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्या करेंगे, हम अपने चैनल की कोई भी लंबे वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेंगे। जैसे कि मेरे चैनल पर लंबा वीडियो तो कोई नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ सिंपली कोई भी एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि देखो ये वीडियो है 1 मिनट 57 सेकंड, ठीक है। तो सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ शेयर और यहाँ से करता हूँ लिंक को कॉपी। तो दोस्तों यहाँ से हमने वीडियो का लिंक तो कॉपी कर लिया, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपको ऐसा चीज बताने वाला हूं जिससे आपका वॉच टाइम ड्रॉप नहीं होगा और आपका वॉच टाइम काउंट होगा काफी फास्ट तरीके से, ठीक है। तो वो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, अगर आप नॉर्मली वॉच टाइम बढ़ा लोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसलिए लास्ट वाला ट्रिक जरूर से देख लेना। अब दोस्तों लिंक कॉपी करने के बाद देखो इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर कैसे आना है, वेबसाइट का नाम क्या है, सब कुछ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, बस वीडियो को ध्यान से देखो। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहां पर देखो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, तो यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी एंड पेस्ट एनी वीडियो लिंक हेयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने वीडियो का लिंक को यहां पर कर देना है पेस्ट, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर कर देता हूं पेस्ट, ये वीडियो का लिंक मैं कॉपी किया था, उस वीडियो का लिंक यहां पे मैं पेस्ट कर दिया हूं। एंड गाइस यहां पे देखो आ गया इंटर द नंबर ऑफ व्यूज, मतलब आप जितना व्यूज लोगे उतना आपको वॉच टाइम भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपका इंटरनेट का स्पीड जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से आपको यहां पे लेना है। अगर आपका फास्ट वाईफाई है, 5G नेटवर्क है, तो आप यहां पे जितना चाहो टैब ले सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूं, मान के चलो मैं 10 व्यूज लेता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिनट में 10 मिनट मिलेगा। अगर मैं 1 घंटा देखूंगा तो मुझे 10 घंटा मिलेगा। अगर यहीं पर मान के चलो मैं कर देता हूं 100, ठीक है, मैं 100 व्यूज लेता हूं एक बार में, और इसको अगर मैं 1 घंटे तक देखूंगा ना तो मुझे 100 घंटा मिल जाएगा, समझ रहे हो। अगर यहां पे मान के चलो मैं कर देता हूं 4000, ठीक है, 4000 कर दिया हूं, 4000 व्यूज ले लिया हूं, तो अगर मैं इसको प्ले कर दूंगा और अगर 4000 व्यूज में देखूंगा 1 घंटा तक, तो मुझे 4000 घंटा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने नेटवर्क के हिसाब से ले सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है ना, तो आप क्या करना, यहां पे 10-20 टैब लेना, जैसे कि 10 टैब में ले लेता हूं, ठीक है। आप चाहो तो 20-30 टैब ले सकते हो, आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है। इतना करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कर देना है प्ले, ठीक है। अब जैसे ही प्ले करोगे ना, तो इंस्टेंट के इंस्टेंट यहां पर आपके वीडियो जो होंगे 10 टैब में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे ऑप्शन मिलता है रेड वाला यूट्यूब का लोगो, आपको लोगो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इस पर भी क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखो, सब पे क्लिक करते जाना है, ठीक है। यहां पे मैं क्लिक करता हूं, इस पर भी क्लिक करता हूं, देखो मेरा यहां पे साउंड सबसे पहले मैं म्यूट कर देता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं साउंड को हटा दिया हूँ। अब देखो सब पे एक बार क्लिक करना है प्ले का, लेकिन अब देखो इसके बाद मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से आपको प्ले कर देना, जितना टैब में आप ओपन करना चाहो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 10 टैब में ओपन किया हूँ, आप चाहो तो 20 टैब में करो, 50 टैब में करो, 100 टैब में करो, जो करना है करो, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक तरीके से आपका वॉच टाइम काउंट होगा। अगर नॉर्मली यहाँ से वीडियो देखोगे तो आपका वॉच टाइम काउंट ही नहीं होगा। आप जाकर यूट्यूब में चेक करोगे ना तो आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये वीडियो को मैं प्ले कर दिया हूँ ना, तो वीडियो प्ले हो चुका है। अब क्या करना है, मैं पहले बता दिया कि आपका वीडियो थोड़ा लंबा होना चाहिए, ठीक है। लंबा वीडियो रहेगा तो काफी अच्छा होगा। जैसे कि ये वीडियो मेरा लगभग 2 मिनट का था, तो मैं 2 मिनट तक यहां पे वेट करूंगा, 2 मिनट तक यहां पे सारे वीडियो को देख लूंगा ना, जैसे कि लगभग 1 मिनट मेरा हो गया होगा, ठीक है। देखो आधा चल गया है, यानी कि 1 मिनट मेरा हो चुका है। जब मैं 2 मिनट तक इस वीडियो को देखूंगा तो 2 मिनट के अंदर मुझे यहां पे 20 मिनट मिलेगा, ठीक है। मतलब 2 मिनट इस पे मिलेगा, 2 मिनट इस पे मिलेगा, 2 मिनट इस पे मिलेगा, तो इसी प्रकार से सारा का मिनट काउंट होगा, यानी कि 2 मिनट के अंदर मुझे 20 मिनट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यही वीडियो को फिर से प्ले करते हैं, फिर से देखते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप एक बार इसको कंप्लीट देख लोगे ना, वीडियो आपका फ्यूज हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको पूरी तरीके से कट कर देना है, ठीक है। वेबसाइट को पूरी तरीके से कट करना है, क्रोम जो ब्राउजर में आप करोगे ना उसको पूरी तरीके से कट करना है। कट करने के बाद आपको हिस्ट्री को क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद आपको फिर से इस वेबसाइट पे आना है और फिर से यही तरीका लगा के कोई दूसरी वीडियो को देखना है। एक ही वीडियो को नहीं देखना है, इसी प्रकार से आपको किसी दूसरे वीडियो को देखना है, ठीक है। तो ये तो आपको बता दें कि कैसे करके आपको यहाँ से अपने वीडियो को प्ले करना है। लेकिन अब बात करते हैं इस वेबसाइट का नाम क्या है, इस वेबसाइट पर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट के बारे में जानने से पहले आपको बता दो कि इससे पिछले वाले वीडियो के विनर ये भाई हुए हैं, तो इसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया हूँ। तो सिंपली जाके आप लोग इस भाई को सपोर्ट कर देना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हो इसी प्रकार से अपने चैनल का प्रमोशन कराना बिल्कुल फ्री में, तो बस आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम आप विनर आओगे तो आपके भी चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। तो अब देखो यहां पर क्या करना है, आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर में जाना है, उसके बाद आपको सर्च वाले सेक्शन पर जाना है। वहां पर क्या करना, आपको लिख देना यूट्यूब, यहां पर लिख देना है यूट्यूब, उसके बाद यहां पर एक डैश देना है इस प्रकार से, सॉरी यहां पर डैश देना है, उसके बाद लिखना है व्यूज, YouTube व्यूज लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों देखो आपके सामने वहाँ पे आपके क्रोम ब्राउजर में ऑटोमेटिक सजेस्ट करने लगा बहुत सारा कीवर्ड। देखो ये कीवर्ड मुझे सजेस्ट कर रहा है ना, तो YouTube.vyusdotytpremium35rappl जो दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट खुल के रेडी हो जाएगा। तो सिंपली आपको जो पहला वाला वेबसाइट देखेगा आपको उसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो बस आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मैंने बाकी का प्रोसेस तो आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ पे लिंक डालना होता है, यहाँ पे कितना वॉच टाइम चाहिए वो डालना होता है और यहाँ से कर देना है प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।